इस बार मैं क्या बनाऊं? हाँ, ये देखो चेहूप। ओह, ये तो बहुत आसान है। आप लोग भी ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं तो सो रहा हूँ। मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं, आसान ही होगा। अगर तुम लोगों ने इसे गलत समझा तो मुश्किल हो जाएगी। देखो चिन, देखो अच्छे से करना। इस बार हमें पास होना ही होगा, हम बहुत बार फेल हो चुके हैं। 1, 2, 3। ओह, ये तो सच में बहुत आसान है। वाओ, मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग की है। हाँ, उतनी बुरी भी नहीं है। मुझे वर्ड लिखना है ना? हाँ। हमारे ये सारे क्वेश्चंस तो बच्चों के लिए बहुत आसान है। सच में मुझे ऐसा लगता है ऐसी ड्राइंग्स तो सेकंड क्लास के बच्चे बनाते हैं। जब उनके टीचर कहते हैं बच्चों देखो आप भी इस तरह से ड्राइंग बनाओ। देखो शुगा, सच में जंगकुक तो हर बार कमाल की ड्राइंग करता है, इसे लेकर तो कोई कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। तो मेरा जवाब है हाथी। चलो आज ये बात तो पक्की हो गई कि BTS हाथी और जिराफ जैसे वर्ड बिना फेल हुए गेस कर सकते हैं। हाँ, हाथी, जिराफ और पंछी हो। तो सेकंड गेम में BTS को एक वर्ड बताया जाएगा, उस वर्ड को सुनते ही सभी मेंबर्स को 3 सेकंड के अंदर एक पोज बनाना होगा और सभी मेंबर्स के पोज सेम होने चाहिए। जो भी जीतेगा उसे स्नैक कूपन दिया जाएगा। तो आपका पहला शब्द है तरबूज। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। 1, 2, 3। ये क्या है जी, ऐसे तरबूज कौन खाता है? जिमिन को तो देखो, हम सभी को देखने के बाद पोज बना रहा है। चलो ऐसा करते हैं, जिसे आंसर नहीं पता उसके लिए एक अलग से पोज बनाते हैं। हाँ, ये वाला पोज बनाएंगे। हाँ, जिसे जवाब नहीं पता वो ऐसे करेगा। तो आपका अगला शब्द है BTS। ये तो सच में आसान है। 1, 2, 3। अगला वर्ड है सेल्फी। इस बार तो हम अच्छा कर रहे हैं। आपका अगला वर्ड है फिशिंग। चलो 1, 2, 3। वी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये गलत है? वी तो ऐसे पोज बना रहा है जैसे उसने एक मछली पकड़ भी ली, और हम तो सिर्फ फिशिंग रॉड फेंकने की बात कर रहे हैं। सच में वी, भला तुम्हारी तरह ऐसे कौन करता है? इसीलिए वी हम सभी से कुछ ज्यादा ही अलग सोचता है। तो आपका अगला शब्द है डरावनी मूवी। ये तो बहुत आसान है। 1, 2, 3। ये क्या कर रहे हो आरम? तुम्हें डरावना पोज नहीं मालूम? आरम, तुमने ऐसे क्यों किया? क्या तुम डरावनी मूवी देखते समय ऐसे करते हो? क्या ये वाला सही नहीं था? हाँ, ऐसे भी कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला वर्ड है डायोनिसिस। 1, 2, 3। आरम, ये कैसा पोज है? अमीर आदमी वाला। क्या मेरा ये एक पैग वाला सही नहीं है? वी ने पहले कुछ भी नहीं किया और फिर हम सभी को देखकर ऐसे कर लिया। तो आपका अगला वर्ड है कोका कोला। चलो करते हैं। ये लो, फिर से वी ने अपना दिमाग लगा लिया। क्या किया उसने? वी बॉटल खोलने का पोज बना रहा है। वी, क्या तुम हम सभी को हराना चाहते हो? अरे पिछली बार की तरह इस बार भी हमें देखकर पोज बना लेते। हाँ, तो जब हम एड शूट करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। पिछली बार भी तुमने ऐसे करके सब गड़बड़ कर दी थी। जिसे कुछ समझना है वो ऐसे करना। तो आपका अगला शब्द है आर्मी। 1, 2, 3। वैसे इन सभी पोज का मतलब प्यार ही है। हाँ, इन सभी का मतलब प्यार से है। हाँ, और हम सभी का मतलब एक ही है। आर्मी के लिए हम सभी का प्यार एक जैसा है। प्यार के बहुत से नाम है लेकिन प्यार का मतलब तो एक ही है और हम आर्मी से बहुत प्यार करते हैं। इस पे अगर किसी ने ऐसे किया होता तो कितना अजीब लगता। क्या आप इस जवाब को सही मानेंगे? इन्हें मानना ही होगा क्योंकि अगर कोई बात आर्मी से जुड़ी है तो वो गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि आर्मी हमेशा सही होती है। तो आपका अगला वर्ड है अनपन मैन। ओह, ये तो सभी ने सही किया है। आरम, ये तुम क्या कर रहे हो? इस बार तो वी ने भी सही पोज किया तो मुझे लगा हम पास हो गए। आरम, तुम कर क्या रहे थे? हाँ आरम, तुमने ऐसे क्यों किया? सही पोज तो ये था। माफ करना, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आप सभी ने 3 में से 10 वर्ड पे सेम पोज बनाए हैं। क्या ये तो बहुत है। इस गेम में BTS को एक साथ मिलकर इस बड़ी सी पेंसिल से कोई भी सेंटेंस लिखना है, और अगर BTS का लिखा हुआ सेंटेंस हम पढ़ पा रहे हैं
ये गेम जीत जाएंगे। आराम इसे थोड़ा गोल घुमाओ, इसे थोड़ा नीचे ले जाओ। देखा हमारा टीम वर्क कितना अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। वी रहने दो, ऐसे मत करो, ये वाला काफी अच्छा बना है। BTS लिखने में तो हम सभी ने बहुत समय ले लिया, चलो आखिरकार ये पूरा हो गया। अभी तक के तीनों गेम्स को मिलाकर BTS के स्कोर हुए हैं 9, इसलिए BTS 9 तरह के स्नैक्स चूज कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत है, वैसे स्कोर इतने भी बुरे नहीं है। ये लीजिए आपका मेन्यू, बी तुम्हें जो भी पसंद है वो चूज कर लो। चलो भी आइसक्रीम भी चूज करते हैं, चलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चूज करते हैं। अरे चंकू ये क्या कर रहे हो तुम, इन्हें तो देखो गार्डन के बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। तुमने मेरी कोया को लात कैसे मारी? अरे तुम सभी यहाँ पे ध्यान दो, जाओ उन्हें वापस ले आओ। मुझे लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज के इस गेम में पनिशमेंट भी है, और वो पनिशमेंट बिना किसी डाउट के मुझे ही मिलेगी ना? नहीं, अगर आप ये गेम जीत जाते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। काश ये पनिशमेंट अजीबोगरीब कपड़े पहनने की ना हो। तो क्या आप कोई और पनिशमेंट डिसाइड करना चाहेंगे, या फिर आज के यही कपड़े एयरपोर्ट पे पनिशमेंट के रूप में पहनना चाहेंगे? अरे हाँ, मुझे नहीं लगता ये आइडिया बुरा है, ये कपड़े तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं, और मैं कोया को भी साथ ले सकता हूँ। तुम लोग जरा मेरे बारे में भी सोचो। अरे हाँ, जिनकी तो इन गर्म कपड़ों में पसीने से हालत खराब हो जाएगी। हाँ अभी गर्मियाँ हैं, इसलिए हम ये कपड़े नहीं पहन सकते। अगर मुझे पनिशमेंट मिले तो मैं इस पे सफेद रबर के जूते भी पहनूंगा। चलो अब जल्दी से पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। सुनो यही कपड़े पहन लेते हैं। हाँ ये वाले पनिशमेंट सबसे आसान है। सुनो मेरे पास एक आइडिया है, आज के एपिसोड में जिस मेंबर को पनिशमेंट मिलेगी वो अगले नए एपिसोड में यही वाले कपड़े पहनेगा। अरे हाँ ये वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब किसी को ये कपड़े दोबारा पहनने होंगे। अगर चंकू को पनिशमेंट मिले तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंकू के कपड़े बहुत अच्छे हैं। किसी एक ड्रेस को चूज कर लेते हैं, मेरी ड्रेस को चूज करते हैं। चलो ठीक है, ये उतने भी बुरी नहीं है। तो अब जो भी हारेगा वो अगले एपिसोड में जिमिन की ये पैंट पहनेगा। इस गेम में सभी मेंबर्स किसी भी एक एनिमल का अपना अपना एक पोज डिसाइड करेंगे, और फिर सभी एक साथ बैठकर ताली बजाते हुए उस पोज को करते जाएंगे। सभी मेंबर्स एक दूसरे का पोज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई और पोज कर लेते हैं तो वो आउट हो जाएंगे। ये जानवरों का देश है, जानवरों के देश में ये रहा मेरा सांप, मैं हूँ एक हैंडसम भालू। ओह हैंडसम भालू। जिमिन तुम बताओ। मैं हूँ एक प्यारा हाथी। ओह इसके लिए तो हमें हाथ को घुमाना होगा। आप बताओ मैं क्या चूज करूँ। तुम हो एक, मैं हूँ एक शुतुरमुर्ग। हाँ ये वाला अच्छा है। बताओ ये क्या है, बंदर या फिर गिलहरी? मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो भी है हमें कौन सा नाम लेना है। और मैं हूँ एक मगरमच्छ। चलो फिर मैं हूँ एक मुर्गा। शुगा ऐसे करना है क्या? नहीं सिर्फ ऐसे। चलो फिर सभी के पोज डिसाइड हो गए, चलो अब बीट के हिसाब से अच्छे से करते हैं। ये जानवरों का देश है। ये तो बहुत मुश्किल है। जानवरों के देश में करो।
ये गेम तो बहुत फनी है। बिल्कुल सही कहा। चलो अब फिर से शुरू करते हैं। इस बार सभी और भी फास्ट करेंगे। जानवरों के देश में आरएम ने फिर से गलती कर दी। सबसे ज्यादा पॉइंट्स तो आरएम के ही कटेंगे। मेरे हाथ देखो कितने लाल हो गए हैं। ये घुटने तो बहुत दर्द कर रहे हैं। ये गेम तो बहुत मुश्किल है। वीका और मेरा पोज तो बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो एक आखिरी बार फिर से करते हैं। चलो शुरू करते हैं। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा। हाँ चलो सीरियस होकर खेलते हैं। कोई हंसेगा नहीं। जानवरों के देश में तुम रे वांगो। अरे जंगकुक तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो आराम से बैठकर हम सभी को देख रहा था। जंगकुक के एक्सप्रेशंस बड़े कमाल के थे। अरे मैं कुछ समय के लिए खो गया था। इस गेम में सभी बीटीएस मेंबर्स बारी बारी से आगे आकर अपने बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब बाकी मेंबर्स को गेस करना होगा। तो सबसे पहले गए हैं वी। 2 दिन पहले काम के बाद मैं किसी तरह के केयर के लिए गया था, तो बताइए वो केयर क्या थी? अरे हाँ, इसका जवाब तो मुझे पता है। चलो एक दूसरे को अपना जवाब नहीं दिखाते हैं। 1, 2, 3। ओह, हम सभी के जवाब अलग हैं। हाँ मुझे लगता है जंकू का जवाब सही है। दिखाओ। हाँ जंकू का जवाब सही है, मैं नेल केयर के लिए गया था। चलो बहुत बढ़िया। वाओ जंकू को तो सब कुछ याद है। तुम मुझे मिलता है 1 पॉइंट। ये गेम तो मुश्किल है। तो बताओ जब हम सभी ने डिनर किया था तो बताइए उस समय मैंने कितने फ्राइड रोल्स खाए थे? अरे हाँ उस समय तो मैंने गिने भी थे। क्या तुमने बहुत सारे खाए थे? हाँ बहुत सारे। तुमने इतने सारे रोल्स क्यों खाए? चलो सभी अपना अपना जवाब दिखाओ। जंगकुक ने खाए थे 4 रोल्स। ओह हम सभी ने 4 लिखा है। क्या तुमने तो 7 लिखा है। हाँ क्योंकि मैंने 7 रोल्स खाए थे। इतने बड़े रोल्स तुम 7 कैसे खा सकते हो? चलो अब जिनकी बारी। चलो तैयार हो जाओ। मैं क्या सवाल पूछूंगा? कल जब मैं गेम खेल रहा था तो मैंने कहा था मैं सिर्फ एक बार जीतने के बाद सो जाऊंगा। तो बताओ मैं किस समय सोने के लिए गया था? भला ये बात हमें कैसे पता होगी? इन दोनों में से कोई एक जवाब जरूर सही होगा। 1, 2, 3। ओह किसी ने 6 लिखा है तो किसी ने 8। आपका जवाब सही है, मैं 6 बजे सोया था। देखा मैंने सही गेस किया ना? चलो अब मैं जाता हूँ। तो बताइए मैंने बाहर से लास्ट टाइम क्या खाना ऑर्डर किया था? ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे याद करने दो। हम गेस कर सकते हैं अगर तुम हमें कोई हिंट दे दो। अरे ध्यान से सोचो, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत कम चीजें ही डिलीवर होती हैं। ऐसा क्या हो सकता है? 1, 2, 3। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। क्या तुमने चिकन मंगवाया था? नहीं मैंने मंगवाया था हलाल फूड। अरे हाँ अब मुझे याद आया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मेरा सवाल है आज मैंने कौन से कलर की अंडरवियर पहनी है? मुझे पता है मैंने तो देखी थी आज। अरे कब देखी तुमने? जब तुम चेंज कर रहे थे तब। क्या बैंड का कलर बताना भी जरूरी है? नहीं सिर्फ मेन कलर बताना है। चलो मेरा तो हो गया। कोई भी अपना जवाब चेंज नहीं करेगा। रुको मुझे भी तो लिखने दो। वैसे भी जेहोक सिर्फ 2 तरह की ही पहनता है। चलो सभी अपना जवाब दिखाओ। मेरा जवाब तो सभी से अलग है। तो सही जवाब है सफेद रंग। मैं जानता था वो सिर्फ सफेद या काली पहनता है। मैंने तो ब्लू ही लिख दिया था। नहीं अब मैं वो ब्लू नहीं पहनता। क्या सच में? जेहोक सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही पहनता है। तो मेरा सवाल है, कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल गया था, तो बताइए मैं कौन से हॉस्पिटल गया था और क्यों गया था और कौन से दिन गया था ये भी बताना। मैं हॉस्पिटल वीकेंड पे गया था, ये आप लोगों के लिए हिंट है। अगर आप सभी मुझे थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप गेस कर लेंगे। मुझे पता है इस बारे में। मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ।
में अपना जवाब दिखाओ। क्या तुम डेंटिस्ट के पास नहीं गए थे? हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं डेंटिस्ट के पास गया था। अरे वाह, फिर तो मेरा जवाब भी सही है। और तुम अपना दांत निकलवाने के लिए गए थे ना? हाँ, सिर्फ मैंने ही सही जवाब गेस किया। चलो अब मेरी बारी। पता है मैंने 3 सही जवाब दिए हैं। चलो जिमिन शुरू हो जाओ। जिमिन को इजी क्वेश्चन पूछना, तुम्हारे पॉइंट्स तो वैसे भी ठीक है। तो बताइए मेरे लेफ्ट पैर के मोजे के नीचे क्या लिखा है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मैं कब से अपने पैर तुम्हें दिखाया जा रहा हूँ। अरे मुझे पता है, मैंने कुछ समय पहले ही देखा था। वैसे इसका जवाब मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे जिमिन से बहुत प्यार है। आप लोगों को ड्राइंग नहीं बतानी है, सिर्फ जो लिखा है वही बताना है। 1, 2, 3। ओह, हम सभी ने वाव लिखा है। क्या होम नहीं था? मैंने भी वाव लिखा है। तो सही जवाब है वाव। लेकिन तुमने कुछ और भी तो लिखा था ना? हाँ, वो मैंने अपने राइट पैर पे लिखा था। मेरा जवाब बिल्कुल सही था। तो अब ये गेम पूरा हो गया ना? हाँ, अब बारी है अगले गेम की। मैंने 2 सही जवाब दिए। चलो अगले गेम के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर सर। आमिर, I love you.